तो दोस्तों बात कर लेते हैं RVNL के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में पहले से होल्ड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। बस एंड तक वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर डेली चार्ट। और दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक में फॉल आने के लिए एकदम तैयार मुझे लगता है स्टॉक को अभी और ज़्यादा टूटना चाहिए। स्टॉक में डाउन पैटर्न बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम पैटर्न फॉलो होना स्टार्ट हो चुका है। इस हिसाब से इस स्टॉक को अभी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टूटना चाहिए, और मुझे लगता है अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए ना ओपन कर लिया है इसका अवर्ली चार्ट भी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसका जो एक बड़ा सपोर्ट है वो दो जगहों पर बना हुआ है। पहला सपोर्ट 460 रुपये पर और दूसरा सपोर्ट 420 रुपये पर, जो मुझे क्लियर दिखता है। स्टॉक अगर 510 रुपये से रिवर्स ले ले तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर स्टॉक 510 के आसपास आकर भी सपोर्ट लेकर भी बेस बनाकर भी ऊपर की तरफ रिवर्स नहीं लेता है तो मुझे फिर नीचे आता हुआ 460 का और फिर 420 का लेवल भी दिखता है। अगर आप इस स्टॉक में पहले से स्टक हैं तो आप एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको बिल्कुल इस स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए, अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, अभी इसमें कोई भी मूव नहीं आ रहा है, बल्कि गिरावट ज़रूर देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ये शेयर मार्केट है, हम अपना टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से करके आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी डर है, तो आपको पता चल जाए कि ये स्टॉक इस लेवल तक भी आने के चांसेस हैं। बाकी अगर यहीं से घूम के ऊपर की तरफ निकल जाए स्टॉक तो ये बात तो कोई भी आपको मार्केट में नहीं बता सकता, लेकिन हमें रेडी रहना होता है हर एक सिचुएशन के लिए। तो लेवल और टारगेट्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर पाई होंगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। किसी भी स्टॉक में आप फंस गए हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम ज़रूर बताएं, हम आपके साथ लेवल और टारगेट जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।